हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से वेलकम है। ये चैप्टर 9 क्लास 6 साइंस द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। आज हम लोग कुछ एक्वाटिक हैबिटेट की बात करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पुराने वीडियो में टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स और सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था, उसके पहले इंट्रोडक्शन हमने देखा था। तो आज हम मेन फोकस एक्वाटिक सिस्टम पे करेंगे। तो एक्वाटिक हैबिटेट में जो सबसे बेस्ट और पहला एक्वाटिक सिस्टम है जिसको सभी लोग समझ सकते हैं, वो है समुद्र, ओशंस। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ फिशेस आर अडॉप्टेड टू लाइव इन द सी। इसी चैप्टर में पहले हमने पढ़ा कि कैसे फिशेस अपने आप को अडॉप्ट करती हैं, बॉडी स्ट्रीम लाइंड हो जाती है, ऊपर ऑयल ग्लैंड से ऑयल निकल आता है, गिल्स हो जाते हैं जिससे कि वो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेते हैं। तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। मैनी अदर सी एनिमल्स हैव स्ट्रीम लाइन बॉडी टू हेल्प देम टू मूव ईजिली इन वाटर। इसी मछली की तरह ही और भी जितने एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी भी लगभग ऐसी हो जाती है स्ट्रीम लाइन, जो कि आसानी से पानी में मूव कर सके। देर आर सम सी एनिमल्स लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस। स्क्विड और ऑक्टोपस की बात करें तो उनका शेप स्ट्रीमलाइंड नहीं होता, बिल्कुल अलग शेप के होते हैं। ऑक्टोपस आप लोगों ने देखा होगा, उसकी 8 आर्म्स होती हैं, इसलिए उसका नाम ऑक्टोपस भी पड़ गया। और सी स्क्विड्स आप लोगों ने नहीं देखा होगा, सी स्क्विड आप लोग कभी डिस्कवरी चैनल वगैरह पे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। वो एक पिचकारी की तरह रहता है, पानी छोड़ता है खूब तेज तेज, और वो अलग डिज़ाइन का होता है। ओके, दे स्टे डीपर इन द ओशन, और वो समुद्र में नीचे की ओर रहते हैं। नियर द सी बेड, जहाँ पे समुद्र का तल होता है वहाँ पे, एंड कैच एनी प्रे दैट मूव टूवर्ड देम, और वो पकड़ लेते हैं, जैसे ही उनके पास कोई जाता है उसको पकड़ लेते हैं और आराम से उसको खा लेते हैं। हाउएवर व्हेन दे मूव इन वाटर दे मेक देयर बॉडी शेप्स स्ट्रीमलाइंड, लेकिन जब वो मूव करते हैं तो लगभग स्ट्रीमलाइन जैसे हो जाते हैं। These animals have gills to help them use oxygen dissolve in water. तो सीधी सी बात है, अगर पानी में रहना और ऑक्सीजन चाहिए तो या तो आपकी बॉडी सरफेस या कोई ऐसा ऑर्गन जो उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन को आसानी से एब्जॉर्ब कर पाए, तो इसलिए गिल्स का फॉर्मेशन हो जाता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन एंड वेल्स दैट द वेल मछली कहते हैं, असल में ये मछली नहीं होते, ये मैमल की कैटेगरी से आते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे अलग से पढ़ाने की कोशिश की गई है कि देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड वेल्स दैट डू नॉट हैव गिल्स, उनके पास गिल्स नहीं होती हैं। दे ब्रीद इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स, तो वो नॉस्ट्रिल या ब्लो होल्स से एयर लेते हैं, ना कि गिल्स से, ठीक है। वैसे भी बता चुका हूँ कि ये मैमल की कैटेगरी से आते हैं, भले इनको हम फिश कहते हों, इट डजेंट मैटर। ब्लो होल्स आर लोकेटेड ऑन अपर पार्ट ऑफ देयर हेड, दिस अलाउज देम टू ब्रीद इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर, ऊपर की ओर जब ये मूव करते हैं। और कार्टून्स वगैरह में दिखाया जाता है कि पानी की बड़ी बड़ी पिचकारी वेल से निकलती है, वो इसीलिए दिखाते हैं, जब ये बहुत तेज सांस को छोड़ते हैं तो पानी ऊपर तक जाता है। दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग, दे केम आउट और दे कम आउट टू द सरफेस फॉर टाइम टू ब्रीद इन एयर, इसीलिए आराम से ये आपको देखने को मिल जाते हैं बहुत सारी मूवीज और फिल्म्स में, डिस्कवरी चैनल पे आपको ये देखते हुए मिल जाए। पॉन्ड्स और लेक्स, तो पॉन्ड्स एंड लेक्स, दीज आर अनदर एक्वाटिक सिस्टम जो कि बहुत ईजिली हमारे घर के आसपास भी या कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिल जाता है। हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड इवन इन सम ड्रेन्स? हाँ बिल्कुल, इंडिया के लगभग हर शहर में ड्रेन्स हैं, उनके अगल बगल प्लांट्स होते हैं या रिवर्स हैं। वैसे भी भारत नदियों का देश है तो नदियाँ भी हैं,
और छोटे छोटे पॉन्ड तो लगभग हर शहर हर गांव में मिलते हैं। तो हमने बहुत सारे प्लांट्स देखे हैं, उसमें छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो होते हैं, कुछ एल्गी टाइप के, कुछ सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं, कुछ ब्रायोफाइटन कैटेगरी के होते हैं, कुछ टेरिडोफाइट्स होते हैं। अब यहाँ पे ये बुक में लिखा गया है कि ऑब्जर्व द लीव्स स्टेम एंड रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स। तो क्या होता है भाई, आगे के टेक्स्ट में पढ़िए। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स इन द सॉइल, जैसे कि ये नीचे के फिगर में, ये देखिए ये फिक्स है, यहाँ फिक्स है, ठीक। तो इनके रूट फिक्स हैं लेकिन इनका स्टेम यहाँ पे और फ्लावर ऊपर की ओर है वाटर, जबकि ये फिक्स नहीं है। ये इकॉर्निया क्रेसिपा है, इसको जलकुंभी भी कहा जाता है ना, आप लोगों ने देखा होगा ग्रीन ग्रीन टहलते हुए इसको। तो इसकी रूट फिक्स नहीं है, ये तैरती रहती हैं, फ्लोट करते रहते हैं। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर, ओके। एंड इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स रूट्स नॉर्मली प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। लेकिन ये केवल टेरेस्ट्रियल प्लांट में है, एक्वेटिक में थोड़ा सा इसमें एक प्रॉब्लम है। However, in aquatic plants, roots are much reduced, बहुत कम हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं, एंड देयर मेन फंक्शन इज़ टू होल्ड द प्लांट इन द प्लेन्स। इनका जो मेन फंक्शन होता है वो बस इतना ही रह जाता है कि इस प्लांट को यहाँ पर बना के रखे, क्योंकि पानी तो यहाँ बहुत सारा अवेलेबल है, तो जनरल बॉडी सर्फेस से भी पानी चला जाता है और एक लिटिल अमाउंट में वाटर और मिनरल्स यहाँ से केवल ऊपर की ओर जाते हैं, ओके। तो ये एक एडॉप्टेशन हो गया, ठीक है। द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, इस तरह के प्लांट्स की स्टेम बड़ी लंबी होती है, हॉलो होती है, यानी खोखली होती है, और हल्की होती है, लाइट होती है। द स्टेम्स ग्रो अप टू द सर्फेस ऑफ वाटर वाइल द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। ये देखा आपने, लंबे स्टेम है और जो ये फ्लावर हैं ये ऊपर की ओर हैं। कभी कभी बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं, कमल का फूल आप लोगों ने देखा होगा, ऐसी बहुत सारे प्लांट्स जो उसमें पाए जाते हैं। तो आप इंडिया में रह के ये सब चीज़ें बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। साइंस को समझना ज़रूरी है, रटना तो ठीक है, रट के नंबर आप ला सकते हैं, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी होता है। सो प्लीज़ अगल बगल जाइए और देखिए कि क्या प्लांट्स में कैसा अडॉप्टेशन है। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर, ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर, जैसे कि ये पूरी तरह से ये अंदर का अंदर ही है, ठीक है। तो ये सबमर्ज टाइप का हो गया। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स, दीज कैन बेंड इन फ्लोटिंग वाटर। इन सम सबमर्ज प्लांट्स लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड through which the water can easily flow without damaging them. तो बिना किसी नुकसान के आराम से इनके आर पार आ जा सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं, भाई पानी आएगा जाएगा, क्योंकि इनको यहीं पे सर्वाइव करना है। और कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स भी हैं, जैसे ये तैरते ही रहते हैं। फ्रॉग्स यूजुअली लाइव इन पॉन्ड्स, मेंढक पॉन्ड्स में मिलते हैं बहुत आसानी से, ये तो हर जगह देखे जाते हैं, और नाली के आसपास भी मिल जाते हैं, ड्रेन सिस्टम के आसपास भी। फ्रॉग कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड, इसलिए इसका नाम एम्फीबियन कैटेगरी से आता है। ये एक एम्फीबियन एनिमल है, यानी पानी में भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स, उनके जो पीछे वाले लेग होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और खूब दूर तक वो जंप कर सकते हैं, लीपिंग के लिए काम आते हैं, एंड कैचिंग द प्रे। दे हैव वेब्ड फीट, उनके पंजे में कुछ जाल लगी होती है जिससे कि वो पानी में इस तरह से ऐसे ऊपर की ओर ऐसे ऐसे करते हैं और पानी के ऊपर की ओर आ जाते हैं। यहाँ से अगर पाँव मारेंगे तो ऊपर ही रहेंगे, इसलिए कभी वो डूबते भी नहीं, और उनके बॉडी में भी एयर ग्लैंड्स होती हैं जो उन्हें कभी डूबने नहीं देती हैं। सो दे हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम टू स्विम इन द वाटर। We have discussed only a few common animal and plants compared to wide variety that live in the different habitats. हम लोगों ने बहुत ही कम चीज़ों के बारे में पढ़ा, अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, बाहर जाके देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो आप अपने इस नॉलेज का यूज़ करिए और चाहे तो हर्बेरियम बना के एक शीट पे इन सबको रख लीजिए। सो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, जिसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।